हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन प्रिया कुकिंग रेसिपी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सहजन की सब्ज़ी, जो कि गर्मियों में पाई जाती है और काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 सहजन का स्टिक लिया है और अब मेरी मम्मी ने इसको धीरे धीरे कट करना स्टार्ट कर दिया है। ये मुझे कट करने बिल्कुल नहीं आता है, तो इसमें मैंने मम्मा का हेल्प लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी मम्मी कितने अच्छे तरीके से इसको कट कर रही है। पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और बारीकी से इसके छिलके को हटा देना है। और ये देखिए, हमारा सहजन का जो पार्ट है वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुका है। और इसके बाद हम इसको पानी में रखेंगे और ऐसे ही करते करते हमने सारे सब्जियों को कट कर लेना है और पानी में रखना है। तो सहजन का सब्जी जो होता है वो हमारे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे बीपी को कंट्रोल करके रखता है और चिकन पॉक्स होने से भी बचाता है। तो अब हम सहजन को पानी से निकाल देंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है और निकाल के एक बर्तन में रखेंगे। तो यहाँ पे सारे सहजन को हमने बर्तन में निकाल दिया है और यहाँ पे हमने 2 आलू कट करके रखा था, उसे भी धो लिया है और उसे भी हम बाहर निकाल देंगे। मेरी मम्मी ने बोला कि चलो सहजन की सब्ज़ी के साथ आलू भी अच्छा लगेगा, तो आलू का कॉम्बिनेशन कर देते हैं। तो मैंने आलू को भी कट करवा लिया है मम्मा से। तो ये देखिए, हमारी सब्ज़ी रेडी है। तो चलिए अब हम बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा लहसुन और ये है हमारा सरसों। इन दोनों का हमने पेस्ट बनाना है और अब हम इसे मिक्सी जार में रख के ग्राइंड कर लेंगे। तो ये सरसों और लहसुन का स्मूथ पेस्ट रेडी हो चुका है और अब हम इसको कटोरी में डालेंगे और अब इसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर रखा है। उसके बाद हमने 1 से 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर रखा है, 1 चम्मच धनिया पाउडर रखा है, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर रखा है, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर रखा है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है और अब हम इसमें थोड़ा सा तेल रखेंगे। और सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे, क्योंकि आलू की क्वान्टिटी कम है तो सबसे पहले हम आलू को फ्राई कर लेंगे। तो ये आलू का कलर चेंज होने लगा है और ये फ्राई हो चुका है, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। आलू फ्राई करने के बाद हम सहजन को फ्राई करेंगे। तो अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और ऐड करेंगे और अब हम इसमें सहजन यानी कि ड्रम स्टिक को ऐड करेंगे। और धीमी आंच पे इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो इसका भी थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा है, लेकिन अभी अच्छे तरीके से फ्राई नहीं हुआ है, कुछ ही देरों में ये फ्राई हो जाएगा। तो ये देखिए, ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और इसको फ्राई करने में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इसका शेल थोड़ा हार्ड होता है। और अब हम इसको बाहर निकालेंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा सहजन और आलू फ्राई हो गया है, तो अब बारी आती है मसाले की। तो चलिए अब हम ग्रेवी के लिए मसाले तैयार कर लें। अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे, आप जितना यूज़ करना चाहते हैं, कम ज़्यादा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब हम इसमें पंचफोड़ना ऐड कर लेंगे और जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हमने जो मसाले रेडी किए थे उसको इसमें ऐड करेंगे और धीमी आँच पर हल्का हल्का अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे तरीके से मिलाते हुए चला लेंगे अच्छे से। 2 मिनट के बाद इसमें कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी ये मसाला फ्राई नहीं हुआ है, अभी इसमें हम 1 मीडियम साइज़ का कट किया हुआ टमाटो ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है।
और 5 और 10 मिनट के बाद इसका कलर काफ़ी चेंज हो जाता है। देखिए तो ये मसाला हमारा फ्राई हो गया है, तो अब हम इसमें सब्जियां ऐड कर लेंगे और थोड़ी देर मसालों को हम सब्जियों के साथ फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने सब्जियों को मसाले के साथ फ्राई करना है। ये देखिए इसका कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है, ये मसाले और सब्जियां दोनों फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। पानी अभी हम थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि सहजन को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस हिसाब से हम पानी की क्वांटिटी को देख लेंगे। और अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे और इसको मिलाकर हम अच्छे से चला लेंगे। तो ये देखिए कलर काफ़ी अच्छा है, और अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन को हटाएंगे और ये देखिए हमारा ग्रेवी है थोड़ा कम हो चुका है, काढ़ापन आ चुका है और हमारा जो सब्जी है वो काफ़ी अच्छे से पक चुका है। लेकिन अभी हम 2 से 3 मिनट इसे रखेंगे, उसके बाद गैस को ऑफ करेंगे। तो सब्जी हमारी रेडी है, चलिए हम इसे ढक देंगे। तो ये हमारा फाइनली सहजन और आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है दोस्तों। आप इसे रोटी और चावल के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चावल के साथ इसे परोसा है क्योंकि रोटी के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बैठता है, चावल के साथ इसका कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर है। आप इसे चावल के साथ ही ट्राई करें और इसे खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो आप 1 से 2 बार सीजन में इसकी सब्ज़ी ज़रूर खाएँ। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। तब तक के लिए एंजॉय माय वीडियो एंड बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।